नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। अभी अभी एक बहुत ही बुरी खबर मेरे बीच आई हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि झारखंड ने फिर से एक बार अपना हीरा खो दिया है। जैसे कि आप लोग मेरे आंखों में देख सकते हैं कि अभी मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ना इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको बता दें, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा। एक बार इस गाने को सुन लीजिए। तो आपको बता दें, ये गाना उसी गायकर का है जिन्होंने झारखंड को ना जाने कितने गाने दिए। सतीश दास को आपको जानते होंगे, कुछ दिन सतीश दास उसने बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी तरह एक नए सितारा उभरे थे, बहुत ही कम समय में उन्होंने झारखंड को बहुत ऐसे ऐसे गाने दिए जो ना जाने कितने लोग उनके गानों में थिरके और पूरे झारखंड को एक गानों के लेवल का अंदाज उन्होंने दिलाया था। एक अलग ही लेवल का गाना लाए थे, झूमर टाइप का। मुझे याद है उनका सबसे पहले गाना जो मैं सुना था और जिससे मैंने उनका पूरा फैन हो चुका था, तो वो गाना था आज सब्जी ने बनाई है मुर्गा बनाई है। दोस्तों आपको बता दें, ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद अरे डॉक्टर बाबू, आप लोगों ने ये गाना तो ज़रूर सुना ही होगा। ऐसे ना जाने उन्होंने कितने हजारों हजारों भी जो है गाने दिए झारखंड को, और बहुत ही कम समय में। आपको बता दें कि बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारे गाने दिए हैं, और ना जाने किसकी नज़र लग जाती है उनको और अचानक से उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, और आज हमारे बीच वो नहीं है दोस्तों। आपको बता दें, अभी मैं सोने ही वाला था लगभग, तो मैंने सोचा कि ना इसको ये जो है जानकारी सभी लोग तक पहुँचनी चाहिए कि हमने फिर से एक झारखंड का बहुत ही कीमती हीरा खो दिया। वैसे भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि आपको बता दें उनका गाना सुन के बहुत ज़्यादा फील होता है। मैं अभी भी खोरठा गाना को बहुत ज़्यादा सुनता था। सतीश दास का गाना सुनता हूँ, मिलन दास का सुनता हूँ, और भी बहुत सारे गाने मैं अभी सुनते रहता हूँ, तो उनका गाना एक अलग ही फील देता है। एक वो जो गाना आया था ना, कितना मधुर था, अरे दास बाबू, अरे डॉक्टर बाबू, और वो आज सब्जी ने बनाई है मुर्गा बनाई है, और भी बहुत सारे गाने हैं, मुझे इसे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो क्या बोलूँ आप लोगों को, अभी अभी बहुत ही ख़राब न्यूज है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी पारिवारिक स्थिति को, उनके घर के माता पिताओं को उनकी सहन शक्ति मिले, और झारखंड ने फिर एक बार बहुत ही कीमती हीरा खो चुका है। हम लोगों का दुर्भाग्य चल रहा है। अभी इस कुछ दिन पहले हम लोगों ने बंटी सिंह को खो दिया, और फिर से मैंने हम लोगों ने इनको भी खो दिया। बहुत ही दुखद स्थिति से झारखंड गुजर रहा है, ना जाने कलाकारों को क्या हो रहा है, और सबकी आकस्मिक मृत्यु हो रही है। बंटी सिंह का भी बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, कुछ भी पता नहीं चला, अचानक सा हो गया। उसी तरह इनका भी, इनका तो थोड़ा बहुत तबीयत पहले से ख़राब था, इनका थोड़ा बहुत पता चलता था, क्योंकि इन्हें जब से तबीयत थोड़ा बहुत इनका ख़राब हो गया था, उसके बाद से ये जो गाना लगभग कम कर दिए थे। बल्कि जितने भी इन्होंने गाना दिए हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप जितने भी इनके गाना, सभी ब्लॉकबस्टर हैं। सभी, मैं इतना दावा ठोक के बोल सकता हूँ, इनके जितने भी गाना हैं सभी गाना एकदम ब्लॉकबस्टर थे, और सभी अश्लील मुक्त थे, एकदम पूरा प्योर थे, झूमर थे, और नागपुरी थे, खोरठा थे, सभी तरह का इन्हों गाना इनका था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद से लिखते थे, खुद से गाते थे, और खुद से उन पर अभिनय भी करते थे। बहुत बड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक झारखंड का मेगा स्टार बोल सकते हैं उनको। मेगा स्टार को हम लोगों ने फिर से खो दिया। भगवान से मैं फिर से विनती करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके पारिवारिक को जो है सहन शक्ति मिले। बाद बाकी आप लोगों से भी विनती है कि कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिख दें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। और पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा झारखंड में। और नए नए कलाकार वैसे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो डायमंड होता है ना, हीरा होता है ना, वो हीरा होता है, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। बाद बाकी आपको यही छोटी सी जानकारी देनी थी। बाद बाकी सारा जानकारी मैं आपको कल सुबह का वीडियो में दूंगा, अभी के लिए बस इतना ही। मन
हल्का करना पड़ेगा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। तो सबों को जोहार, जय झारखंड।